नमस्ते प्यारे बच्चों, 11th क्लास के लिए मैं अपलोड करने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 7, जिसमें है मास एंड टाइम मेजरमेंट। तो लास्ट टर्न पे बच्चों हमने बात की थी लेंथ मेजरमेंट की, रेंजेस ऑफ लेंथ डिस्कस की थी, फर्मी एंगस्ट्रम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इससे आगे की बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ मास। वी नो दैट मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन। फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए इन पर डिपेंड नहीं करती। The SI unit of mass is kilogram. While dealing with atoms and molecules, kilogram is an inconvenient unit. क्योंकि ये तो बहुत कम होगा, 10 की पावर में देखेंगे atoms and molecules के लिए तो माइनस में जाएगा, बहुत ज्यादा कम छोटी क्वांटिटी। In this case, there is an important standard unit of mass called the unified atomic mass unit, जिसको हम small u से indicate करते हैं। पहले इसको AMU कहा जाता था, आजकल U कहते हैं, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। इसका इस्तेमाल पूरी मॉडर्न फिजिक्स में हम इसी को यूज करते हैं, व्हिच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द मास ऑफ एटम्स एज 12th क्लास में आप पढ़ेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियर चैप्टर में इसकी डेफिनेशन आएगी, केमिस्ट्री में 11th में आएगी। वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट 1U इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। कार्बन का कौन सा आइसोटोप? C6 12। इसका 1/12 पार्ट लेंगे एक एटम के मास का, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का मास भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो 1U बनता है, जिसकी वैल्यू आती है कैलकुलेट करने पर, एवोगाड्रो कांसेप्ट लगाकर हम कैलकुलेशन करते हैं, 1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, जो कि लगभग एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर है। तो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट को जब हम कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, तो रिलेशन 931.46 MeV/C² हमको मिलता है। Then mass of commonly available objects can be determined by a common balance like the one used in grocery shop. Large masses agar aapko napne in the universe like planets, stars, etc. to uske liye hum Newton's law of gravitation ka istemal kar sakte hain, gravitational method use kar sakte hain. And for measurement of small masses, jo atomic ya subatomic particles ke masses hain, hum istemal karte hain spectrograph, mass spectrograph ka. आपको पता हो तो सर जे जे थॉमसन ने मास स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से E/m निकाला था इलेक्ट्रॉन के लिए, इन विच रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्टरी इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है चार्ज पार्टिकल, और मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर। और हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखकर S=UT+ ½ AT² लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में भी देख सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस से भी हम पता लगा सकते हैं कि चार्ज टू मास रेशियो कितना है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहां से सैंपल एंटर करेगा, हीटर वेपोराइज कर देगा सैंपल को, आयंस एक्सेलरेट होंगे, और मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया और अलग अलग पार्ट ट्रेस करके पार्टिकल्स जाएंगे, डिटेक्टर की मदद से हम डिटेक्ट कर लेंगे। तो E/m रेशियो के बेसिस पर हम मास पता लगा सकते हैं। आपको जानकारी हो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिटरमाइन किया था मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, मिनिमम चार्ज का क्वांटा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और जे जे थॉमसन ने डिटरमाइन किया था E/m। मास पहले नहीं पता चला था, E/m और E हमें पता थे, और उससे इलेक्ट्रॉन का मास निकाला गया था 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम। ये सारी डिटेल आपके 12th में काम आने वाली है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्डर ऑफ बात करें तो 9.1 × 10⁻¹ हो गया × 10⁻³¹, तो रह गया 10⁻³¹। आगे के आर्टिकल में हम सीखेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। प्रोटॉन 10⁻²⁷, यूरेनियम एटम 10⁻²⁵, रेड ब्लड सेल 10⁻³⁸, 10 पार्टिकल, इनका मास होता है 10⁻⁹ kg के ऑर्डर का, रेन ड्रॉप 10⁻⁶ यानी माइक्रो किलोग्राम, मॉस्क्यूटो 10⁻⁵ यानी रेन ड्रॉप से भारी होता है मॉस्किटो, ग्रेप अंगूर 10⁻³ किलोग्राम यानी 1 ग्राम, ह्यूमन 10⁻², 100 किलोग्राम, ऑटोमोबाइल कोई भी व्हीकल जो है 1000 किलो, बोइंग 747 जंबो जेट की बात करें 10⁻⁸ किलोग्राम, मून 10⁻², अर्थ 10⁻², सन 10⁻³, मिल्की वे गैलेक्सी पूरी बात करें 10⁻¹, एंड ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 10⁻55। तो बच्चों ये हुई मास मेजरमेंट की बात, अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम।
तो अगर टाइम को मेजर करना है तो किन यूनिट्स का इस्तेमाल हमें करना है, तो टाइम मेजरमेंट की बात करते हैं बच्चों। टू मेजर एनी टाइम इंटरवल वी नीड ए क्लॉक। वी नाउ यूज एन एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम व्हिच इज बेस्ड ऑन पीरियोडिक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन ए सीजियम एटम। दिस इज द बेसिस ऑफ द सीजियम क्लॉक, समटाइम्स कॉल्ड एटॉमिक क्लॉक, यूज्ड इन द नेशनल स्टैंडर्ड्स। सच स्टैंडर्ड्स आर अवेलेबल इन मेनी लेबोरेटरीज। इन द सीजियम एटॉमिक क्लॉक द सेकेंड इज टेकन एज टाइम नीडेड फॉर, ये हम पढ़ चुके, 9192631770 वाइब्रेशंस ऑफ द रेडिएशन कोरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपर फाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 133 एटम। तो फैमिलियर लग रहा होगा आपको डेटा। द वाइब्रेशंस ऑफ द सीजियम एटम रेगुलेट द रेट ऑफ दिस सीजियम एटॉमिक क्लॉक जस्ट एज द वाइब्रेशंस ऑफ ए बैलेंस व्हील रेगुलेट एन ऑर्डिनरी रिस्ट वॉच और द वाइब्रेशंस ऑफ ए स्मॉल क्वार्ट्ज क्रिस्टल रेगुलेट ए क्वार्ट्ज रिस्ट वॉच। तो बैलेंस व्हील लगा होता है ऑर्डिनरी रिस्ट वॉच में, जबकि क्वार्ट्ज आपने पढ़ा होगा घड़ियों पे, क्वार्ट्ज क्लॉक, क्वार्ट्ज रिस्ट वॉच में क्वार्ट्ज क्रिस्टल वही काम करता है जो ऑर्डिनरी वॉच में बैलेंस व्हील करता है। देखना चाहेंगे, ये देखिए, ये इसका मैकेनिज्म, ये सारे गियर्स हो गए, यहाँ स्प्रिंग हो गई, और ये है क्वार्ट्ज ऑसिलेटर जो एफिशिएंट आईसी के थ्रू इलेक्ट्रिकल जनरेटर इससे जुड़ा होता है और वो उसको रोटर को घुमाता है, उसी से ये सारी सुइयां घूमती है। तो बच्चों ये मैकेनिज्म यूज होता है क्वार्ट्ज क्लॉक में। नोट दैट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी जिसे हम बोलते हैं इज लिंक्ड टू दिस सेट ऑफ एटॉमिक क्लॉक्स। द एफिशिएंट सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स आर सो एक्यूरेट, इतनी एक्यूरेट होती है, इतनी सही वैल्यू बताती है, दैट दे इंपार्ट द अनसर्टेनिटी इन टाइम रियलाइजेशन। जो एरर होता है उसी को हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल, वही है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में एरर एनालिसिस की बात हम करने वाले हैं। एस प्लस माइनस 1 × 10⁻³, इसका मतलब 10⁻³ सेकंड में वन पार्ट बस इतना एरर हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। दिस इंप्लाइज दैट द अनसर्टेनिटी गेन्ड ओवर टाइम बाय सच ए डिवाइस इज लेस देन वन पार्ट इन 10⁻³। दे लूज और गेन नो मोर देन 3 μs इन वन ईयर। ये जो एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं, अगर ये आगे हो जाती हैं, पीछे हो जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना आगे या पीछे हो सकती हैं, एक साल में 3 μs। इन व्यू ऑफ द ट्रेमेंडियस एक्यूरेसी इन टाइम मेजरमेंट द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स द पाथ लेंथ लाइट ट्रेवल्स इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। इसी एक्यूरेट स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम डिफाइन कर पाए 1/299792458 पार्ट ऑफ ए सेकेंड में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो है 1 मीटर। The time interval of events that we come across in the universe vary over a wide range. तो बच्चों जो 3 × 10⁸ meter per second हम use करते हैं, actual data ये है 299792458 meter per second. तो आज हमने बात की इस lecture में mass measurement, time measurement. Next lecture में numerical details आ जाएंगी, अभी तक theoretical चल रहा था सब कुछ मामला, तो हम पढ़ेंगे बच्चों error analysis in the next lecture. Till then, enjoy.